जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के उत्क्रमित उर्दू मध्य उच्च विद्यालय मलाठी में रसोईया रेखा देवी के बेटे अमरजीत कुमार ने दारोगा में अपना रिजल्ट क्लियर किया है, जिसे लेकर स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहाँ कार्यरत रसोईया का बेटा अमरजीत भी उन्हीं के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा से लेकर आगे की पढ़ाई किया है, जिसे लेकर गुरुवार के दिन विद्यालय परिवार की ओर से माँ और बेटे दोनों को सम्मानित किया गया है। बेहद गरीब परिवार से आए अमरजीत ने अपनी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जिसे लेकर उनके गांव मलाठी पंचायत के गंगा सागर में भी काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं जब शिक्षकों ने उनकी मां रेखा देवी से पूछा कि अब आपका बेटा दरोगा बन गया है तो अब उन्हें रसोईया का काम छोड़ देना चाहिए, यह सुन मां ने बताया कि इसी काम के बदौलत उसके बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है और वो ये काम नहीं छोड़ेगी। इन्होंने बताया कि उनका एक छोटा बेटा भी है, उसे भी पढ़ा लिखा कर वह अफसर बनाना चाहती है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने कहा कि अमरजीत को सम्मान करने का हमारा मकसद केवल यह है कि इसे देखकर हमारे विद्यालय के दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें, और यदि इसे देखकर एक बच्चा भी प्रेरित होकर आगे बढ़ता है तो मैं समझूंगा हमारी मेहनत सफल हो गई। इस मौके पर शिक्षक मोहम्मद मसरूर आलम, मोहम्मद इम्तियाज आलम, सुजीत कुमार, रिजवाना खानम, शबाना परवीन, मोहम्मद जावेद अशरफ, अब्दुल यहिया अंसारी, मृत्युंजय कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। मुसीबत के साथ मैं स्कूल से ही विद्यालय से मेरा आगे मुहे बांट के गए हैं और कर रहे हैं, इसी विद्यालय में रह के काम करके किए। अभी भी रसोईया का काम करेंगे कि अब छोड़ देंगे? नहीं सर, अभी हम करेंगे जब तक मेरा चलेगा शरीर, जब तक करेंगे। कितने बच्चे हैं आपको? मेरा बच्चा एक तो लड़की है, दो तो लड़का। तो ये पहला बच्चा है जो दरोगा बना? हाँ, बड़ा वाला है। दूसरे बच्चे को भी चाहेंगे इसी तरह से आगे बढ़े? जी जी, खुशी का आंसू भी आपको बह रहा है, क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को? जैसे मेरा बच्चा आगे बढ़ा उसी तरह सब हर आदमी का बच्चा बढ़े आगे। क्या नाम हुआ? रेखा देवी। है, मुझे खुशी है, बहुत गरीबी से ही आगे बढ़ा है और माँ बाप का सपना और हम शिक्षकों का सपना इन्होंने पूरा किया है जी। ये बहुत बेवसी और बहुत गरीबी में जो है जी रहा था इनकी माँ बाप, और माता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने समर्पण से अपनी भूख मर करके दुख से पेट काट करके इस बच्चा को खिला पिला करके पढ़ाने के लिए समर्पण से इस बच्चा को पढ़ाया और इस बच्चा जो आज मुकाम पर पहुँचा है, मुझे बेहद खुशी है, बहुत खुशी है। फिर जैसा कि पता चला है इनकी माँ आप ही के स्कूल में रसोईया भी हैं? मेरे स्कूल में विद्यालय में 2005 से कार्यरत हैं, 2005 से ही रसोईया हैं मेरे विद्यालय में, और हम शिक्षकों का सारे शिक्षकों का इनके प्रति जो है सहयोग और समर्पण का भावना रहा है, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे कि बच्चा पढ़ने में आपका बहुत बढ़िया है, बहुत तेज है, इसको जो है आगे बहुत अच्छा करेगा, इसलिए हम लोगों की बात को मान करके जो है इन्होंने समय दिया इसको और ये पढ़ाया इसको, और पढ़ने में जो है घर पर रह करके कहीं डेरा डंडा और कहीं जो है हॉस्टल में नहीं, घर पर रह करके ये बच्चा जो है कामयाबी हासिल किया है, इसलिए हम शिक्षकों के साथ साथ इनकी माँ की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। और क्या नाम हो सर? आज भी कार्यरत हैं रसोईया, आज भी कार्यरत हैं, हम लोगों ने कहा कि अब आपका बच्चा दरोगा हो गया, अब आप स्वतंत्र हैं रेखा जी, कहें कि नहीं इसी विद्यालय से हम कामयाबी हासिल हो हमारा बच्चा, हम रहेंगे, हमने कहा कि जब तक आपकी इच्छा है तब तक रहें, अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों को? हम बच्चों को मैसेज देना चाहिए, इसीलिए हम बुला करके इसको सम्मानित किया अपने विद्यालय में, चूँकि बच्चा भी मेरा समझे कि इसी विद्यालय का प्रोडक्ट है ये लड़का और यहाँ पर आकर के जो है इतनी कामयाबी हासिल किया, तो बच्चा भी इससे सीखे और लेसन ले कि जो है इसी विद्यालय का प्रोडक्ट जब दरोगा बन सकता है तो हम और ऊपर हम कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्या नाम हो सर, किस पद पर है? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, हम प्रधानाध्यापक हैं उत्क्रमित उच्च मध्य सह उच्च विद्यालय मलाठी। उसके पीछे हम सिरते में गांव के सिर्फ में तैयारी कर रहे थे और टेस्ट लगा रहे थे। अच्छा, कहीं और पटना दिल्ली तैयारी किया था? नहीं, कहीं बाहर नहीं तैयारी किए थे, घर पे रह के सिर्फ। घर में रह के कैसे तैयारी किया? दूसरे बच्चों को भी इसका गुण बताइए।
जो बुक आता है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको खोले फिर उसके टेस्ट लगाए, उसके बाद रिजल्ट हो गया। हाँ उसके बाद सामने है रिजल्ट। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार। घर? गंगा सागर।